अमेठी में बुजुर्ग महिला के खाते से 1.5 लाख रुपए निकालने का मामला। उत्तर प्रदेश किसान सभा के जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने भारतीय स्टेट बैंक पर किया जमकर धरना प्रदर्शन। वहीं पीड़ित महिला के रुपए वापस करने के लिए कही गई बात। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के गुड्डूर गांव की रहने वाली है महिला। अमेठी के जायस में जवाहर नवोदय विद्यालय बल्ला रायबरेली की परीक्षा हुई संपन्न। जैसी जायस और फुर्सतगंज ब्लॉक बहादुर के बच्चों ने डाले थे ऑनलाइन फॉर्म। 276 फॉर्म डाले गए थे। परीक्षा केंद्र में 98 ने परीक्षा दी और 178 परीक्षा देने ही नहीं आए। मौके पर थाना जायस के प्रभारी राजेश सिंह, चौकी इंचार्ज शिवबख्श सिंह पूरे प्रशासन के साथ कड़ाई से मुस्तैद रहे। यूपी में शनिवार की साप्ताहिक बंदी खत्म, अब रविवार को होगी बंदी। आदेश हुआ जारी। सुल्तानपुर, अमेठी और फतेहपुर में भी ये नियम लागू रहेंगे। अमेठी में जल निगम की लापरवाही से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सड़क पर जल निगम की टूटी पाइप ठीक करने के लिए खोदा गया बड़ा गड्ढा। बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भरा होने की वजह से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। स्थानीय लोगों में है काफी रोष। गौरीगंज तहसील के जामो बाजार का है मामला। सुल्तानपुर के बल्दीराज क्षेत्र अंतर्गत के बघौना से देहली जाने वाली रोड पर माँ काली के स्थान से पहले ही रात में ही हो रही है बारिश। दो बबूल के पेड़ रोड पर गिरने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आवागमन चालू करने के लिए किया जा रहा है प्रयास। नहीं पहुंचा अभी तक कोई भी वन विभाग का कर्मी। सुल्तानपुर के थाना बंधुआकला अंतर्गत अलीगंज चौकी इंचार्ज अनूप कुमार की शिकायत करने पीड़िता पहुंची एसपी कार्यालय। पीड़िता ने अलीगंज चौकी इंचार्ज अनूप कुमार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पीड़िता का कहना है कि रात करीब 1 बजे के आसपास अलीगंज चौकी इंचार्ज अनूप कुमार उनके घर पर आकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने पीड़िता को थाने भेजकर उसका मेडिकल कराया और उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। अमेठी में ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। खनन अधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई। ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। ओवरलोडिंग ट्रक को खनन अधिकारी ने सीज कर दिया। अभी तक 8 ओवरलोडिंग वाहनों को खनन अधिकारी ने किया है सीज। जामो थाना क्षेत्र कस्बे से ओवरलोडिंग वाहन को पकड़कर सीज किया गया है। अमेठी पुलिस का सराहनीय कार्य। थाना मुंशीगंज पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। थाना रामगंज पुलिस द्वारा 3 गोवंश के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। सभी को जेल भेज दिया गया। सुल्तानपुर में पैसों की खातिर बड़े भाई ने की छोटे भाई की चाकू से गूंथकर हत्या। अब्दुल आखिर खान निवासी हाजी पट्टी थाना क्षेत्र धर्मौर के रूप में हत्यारोपी की पहचान हुई है। बीते 8 अगस्त को ही थी नवी अहमद के घर में सोते समय हत्या। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने इसका खुलासा किया है। थानाध्यक्ष सीताराम यादव के मुताबिक पिता अब्दुल अलीम खान की तरफ से रिटायरमेंट के बाद छोटे बेटे नबी अहमद को 10 लाख देकर व्यवसाय कराने के लिए आश्वासन पर बड़े भाई को जलन हो गई थी। सुल्तानपुर के बल्दीराज क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय आलियाबाद में टीकाकरण कराने के लिए लग रही है ग्रामीणों की भीड़। देर शाम चलता रहा टीकाकरण। करीब 200 लोगों का टीकाकरण हुआ। अमेठी के जायस नगरपालिका परिषद में टेंडर हुआ है। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 40 कार्य का टेंडर लगाया गया था। लगभग 2,37,00,000 रुपए का कूड़े कबाड़ का टेंडर हुआ है। बाहर से आए हुए ठेकेदार व स्थानीय ठेकेदारों ने अपनी अपनी बोली लगाई। 3 लाख से बोली शुरू हुई जो 5,01,000 रुपए तक पहुंची। अधिकतम बोली रही। बहराइच के ठेकेदार को मिला कबाड़ का सामान। अमेठी जिलाधिकारी ने आज जनसुनवाई के दौरान सुनी जनसमस्याएं। शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। अमेठी में मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 27 प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों को कलेक्ट्रेट सभागार में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। पूरे प्रदेश में 2846 नव चयनित प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज